हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अपना जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास नाइन्थ सर्किल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि ऑब्वियसली बात है टीचरों के लिए फेवरेट होता है और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक, क्योंकि ये क्वेश्चन में डायग्राम आपको खुद बनाना पड़ता है, प्रूफ भी आपको खुद ही करना पड़ता है, तो इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी बच्चों को डिफिकल्टीज होती है। आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम कराते हैं और आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अगर स्किप करोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, सिर्फ सॉल्यूशन सॉल्यूशन आपके एंड तक रह जाएगा। तो बिल्कुल स्किप ना करें, आराम से समझें, एक एक लाइन का इसमें मतलब है, ठीक है। तो देखते हैं, इफ अ डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको डायगोनल्स बनाने, आर द डायमीटर ऑफ अ सर्किल, और जिस सर्किल में आप उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को बनाएंगे उस डायगोनल जो आप ड्रॉ करेंगे वो उस सर्किल के डायमीटर होंगे। इतनी बात समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक सर्किल बनाया हमने, सबसे पहले ये एक सर्किल है, इसके हमने चार कॉर्नर पर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया। ओके, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, इसको नेम दे दिया ए बी सी और डी, ठीक है। अब इसके डायगोनल ड्रॉ कर दिए, तो डायगोनल ड्रॉ हो गए, ये पॉइंट को आपने समझ लीजिए ओ पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो अगर उसने क्या बोला है, द डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर द डायमीटर ऑफ अ सर्किल, इसका मतलब ये ओ क्या है, सेंटर है उस सर्किल का, और ए सी और बी डी क्या है, उसमें डायगोनल है। तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है कोई भी प्रूफ में, सबसे पहले हमको गिवन मालूम होना चाहिए। तो यहां पर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको मालूम है तो आपको यह भी मालूम है कि बी डी एंड ए सी आर डायगोनल ऑफ सर्किल, ठीक है। अच्छा, अब आपको प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ लिखिए। अब आपको मालूम है क्या बोला है, प्रूफ दैट इट इज अ रेक्टेंगल, तो हमको ये प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, और क्वाड्रिलेटरल में मैंने आपको बताया है कि रेक्टेंगल जब भी हमें प्रूफ करना हो तो हमको किसी भी एक एंगल या एक से ज्यादा एंगलों को 90 प्रूफ कर देना चाहिए। तो मतलब कुल मिलाकर यहां पर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी को हमें क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है, सिंपल। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में हमको मालूम है कि स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए कि एंगल फॉर्म्ड इन अ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री एंगल, तो जो एंगल फॉर्म्ड होता है एक सेमी सर्किल में वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। आप कहोगे कि सेमी सर्किल तो कहीं बन ही नहीं रहा, ये तो पूरा एक सर्किल है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो डायमीटर है बी ओ डी वो इस सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो लिखते हैं कि डी बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्किल, एंड डिवाइड टू इक्वल सेमी सर्किल। अब आपको मालूम है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल फॉर्म्ड 90 डिग्री। तो अगर मैं कहूं कि एसी डायमीटर है तो मैं इसको छुपा सकता हूं और ये वाला एक पूरा सेमी सर्कल बनना है, तो यहां पर एंगल बी कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये तो डायमीटर है ना, और डायमीटर इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देता है सर्किल को, तो टू सेमी सर्किल में इसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और हमको एक थ्योरम मालूम है कि सेमी सर्किल जब भी फॉर्म्ड होगा तो वो सामने वाले एंगल को क्या बना देगा, 90 डिग्री फॉर्म्ड कर देगा। तो इसको अगर मैं स्किप कर दूं, इसको छुपा लूं, तो ये वाला क्या होगा पार्ट, सेमी सर्किल होगा। तो यहां से हमें पता चलता है कि ए सी इज अ डायमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल बी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब सिमिलरली, इसी तरीके से सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू
एंगल डी और एंगल ए सारे कितने आ जाएंगे 90 डिग्री आ जाएंगे इसी मेथड से, क्योंकि ये भी डायामीटर है तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी डायामीटर है तो ये भी 90 हो जाएगा, और ये भी डायामीटर है तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। आपको मालूम ही है कि कभी भी किसी सेमी सर्कल पर अगर कोई ट्रायंगल फॉर्म्ड होता है तो ये थ्योरम भी थी कि वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर ये सारे क्या हो गए 90 डिग्री हो गए, और फिर हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो ए बी सी डी यहीं से प्रूफ होता है कि ए बी सी डी क्या है एक रेक्टेंगल है, क्योंकि इसके ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन ब्यूटीफुल क्वेश्चंस को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि वहां पर ही आपको इस टाइप के कॉन्सेप्ट और चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।